अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको द एंडिंग फैक्ट यूट्यूब चैनल में दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है सब लोग खैरत और आफियत के लिबास में मलबूस होंगे। नाज़रीन, 44वां और 45वां किस्त का ट्रेलर आ चुका है। किस्त सस्पेंस से भरपूर रहा और आखिरकार सावजी, बाईहुजा और कला तीनों बच गई। और अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि इस बार कला को बचाने के याउलक अरसलान भी आ चुका था। खैर, जहाँ तक किस्त के मौजू की बात है, आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन हमारा मौजू है ट्रेलर के बारे में और वो है सस्पेंस और कन्फ्यूजन से भरा हुआ, क्योंकि बुज़दाग साहब शायद ड्रामे के रेटिंग को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर में चार मौजूआत है। नंबर एक, बाला और उस्मान के दरमियान लड़ाई। नंबर दो, निकोला और दुनदार का मनसूबा। और नंबर तीन, गुप्तो के चाल तारगुन और फलातीस पर। और आखिरी कार जो चौथे नंबर पर है और जो सबसे सैड सीन है, कुलुश उस्मान है, और जो सबसे गमगीन सीन है वो है बामसी की जुदाई और शहादत। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। اننا الابطال لا نحن الرؤوس اننا للمجد ارخصنا النفوس خالد في البر كان ليس حق في البحار كان حوتا بربروسا اننا الابطال لا نحن الرؤوس اننا للمجد ارخصنا النفوس। तो दोस्तों, बात करते हैं बाला और उस्मान पर। ट्रेलर में उस्मान बाला से कह रहा है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, और बाला कह रही है कि हाँ, जबकि पिछले किस्त में इन दोनों के दरमियान कुछ हुआ भी नहीं। तो इसकी एक ही सूरत बन सकती है, जैसे कि उस्मान और बाला की आदत है कि गम और खुशी के मौका पर कहीं दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार भी ऐसा ही लगता है, और वहाँ मश्क की तरह तलवारबाजी में बाला अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगी और या तो नाज या फिर गुस्से से तलवार चलाएगी, क्योंकि ट्रेलर में उस्मान का हंसमुख चेहरा बता रहा है कि वो मजाक के मोड में है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर है दुनदार का आलानिया गद्दारी की तरफ पहला कदम। दोस्तों, निकोला ने खतरनाक प्लान बनाया है अपना बदला लेने के लिए। वो दुनदार और तारगुन से काम ले सकता है। ट्रेलर में तारगुन को बता रहा है कि मैं उस्मान को कबीले में मारूंगा और तुम सोगोत में बाला को खत्म करोगे। अब निकोला कला कैसे पहुंचेगा तो इसके लिए दुनदार है, क्योंकि ट्रेलर में निकोला दुनदार को बता रहा है कि उस्मान के खेमे तक तुम मुझे पहुंचाओगे। तीसरे नंबर पर है गुप्तो का किरदार। तो दोस्तों, गुप्तो का किरदार जाहिरन एक गद्दार का होगा, लेकिन दरअसल वो और तारगुन निकोला के हर चाल से उस्मान को बाखबर कर देंगे और इस तरह सोगोत भी बच जाएगी और इस बार फलातीस का खात्मा भी होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे गमगीन सीन पर, और वो है आखिरकार बामसी का इख्तिताम होगा। इस वजह से ये किस्त नाज़रीन के लिए बड़ी गमगीन किस्त होगी और तुगरुल की तरह एक बार फिर किस्त देखते हुए बहुत से नाज़रीन के आंखें नम होगा। और क्यों ना हो, सबकी चेते और ड्रामाई जान और शान जो रुखसत हो रहा है। दोस्तों, ट्रेलर में निकोला को गात लगाते दिखाया गया है और बामसी अकेला नज़र आ रहा है। अब बामसी कहाँ जाने वाला है तो इसकी ये सूरत होगी कि राजों की तरफ जा रहा हो, जो रास्ते में निकोला गात लगाए मिलेगा और बामसी अकेला और एक हाथ काम ना करने की वजह से ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि ये उसके आखिरी किस्त होगी। नाज़रीन किराम, जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में आपको एक खुशखबरी दिया था और वो ये कि गुप्तो और शेख अधिबारी आएंगे, तो हमारा ये पेशन भी बिल्कुल सच साबित हुआ। अब बात ये है दोस्तों कि नेक्स्ट एपिसोड में गुप्तो की एंट्री होगी और इसके बाद वाले एपिसोड में शेख अधिबारी की एंट्री होगी। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की फैक्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।